हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के मेरे एक नए चैनल में। इस कहानी को आप लोग एक बार पूरा अंत तक जरूर सुने। एक प्रसिद्ध लेखक, पत्रकार और राजनयिक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, जो बेहद ही हसमुख स्वभाव और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी है, उनकी पत्रकारिता देश ही नहीं अपितु विदेश में भी प्रसिद्ध है। उन्होंने वैसे जगह पर भी पत्रकारिता की है जहाँ अन्य पत्रकारों के लिए संभव नहीं है। उनकी हसमुख प्रवृत्ति और हाजिर जवाब का कोई सानी नहीं है। एक समय की बात है, पुष्पेंद्र एक सभा को संबोधित कर रहे थे। सभा में जनसैलाब उमड़ा था। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर दूर से आए हुए थे। जब वह अपना भाषण समाप्त कर बाहर निकले, तब उनकी ओर एक भीड़ ऑटोग्राफ के लिए बढ़ी। पुष्पेंद्र उनसे बातें करते हुए ऑटोग्राफ दे रहे थे, तभी एक नौजवान उस भीड़ से पुष्पेंद्र के सामने आया। उस नौजवान ने उनसे कहा, मैं आपका बहुत बड़ा श्रोता और प्रशंसक हूँ, मैं साहित्य प्रेमी हूँ, जिसके कारण मुझे आपकी लेखनी बेहद रुचिकार लगती है। इस कारण आप मेरे सबसे प्रिय लेखक भी हैं। मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हैं और आपके व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारना चाहता हूँ, किंतु मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं एक अलग पहचान बना सकूं। आपकी तरह अख्याति पा सकूं। ऐसा कहते हुए उस नौजवान ने अपनी पुस्तिका ऑटोग्राफ के लिए पुष्पेंद्र की ओर बढ़ाई। पुष्पेंद्र ने उस समय कुछ नहीं कहा और उसकी पुस्तिका में कुछ शब्द लिखे और ऑटोग्राफ देकर उस नौजवान को पुस्तिका वापस कर दी। इस पुस्तिका में यह लिखा हुआ था, आप अपना समय स्वयं को पहचान दिलाने के लिए लगाएं। किसी दूसरे के ऑटोग्राफ से आपकी पहचान नहीं बनेगी। जो समय आप दूसरे लोगों को लिए देते हैं, वह समय आप स्वयं के लिए दें। नौजवान इस जवाब को पढ़कर बेहद प्रसन्न हुआ और उसने पुष्पेंद्र को धन्यवाद कहा कि मैं आपका यह वचन जीवन भर याद रखूंगा और अपनी एक अलग पहचान बनाकर दिखाऊंगा। पुष्पेंद्र ने उस नौजवान को धन्यवाद दिया और सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी है मतलब कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले पहुँचे और आप उसे देखकर आनंद उठाएं।
थैंक यू।